गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी केड एजुकेशन हमें फिर से आपका स्वागत है। और हमने आज से एडवांस मैथ की सीरीज स्टार्ट की है, तो उसके अंदर हम आज सबसे पहला टॉपिक मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एडवांस मैथ और जो नॉर्मल हमारा चल रहा था प्रतिशत, वो साथ साथ करेंगे। तो देखो, मेंसुरेशन के अंदर हमारा दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, एक तो हमारा 2D फिगर्स, एक हमारा 3D। 2D यानी कि जैसे कि त्रिभुज है, इसके अंदर ये 2D के अंदर है, त्रिभुज है, वृत्त है, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे 2D फिगर्स हैं। ठीक है, और 3D में क्या है, हमारी तीन डायमेंशन होती हैं, तीन डायमेंशन हो जाती हैं, जैसे कि हमारा घनाब है, क्यूबॉइड है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट। ठीक है, ऐसे बेलन है, शंकु है, तो ये सारे हमारे 3D फिगर्स के अंदर हो जाते हैं, जिनके अंदर हम कैलकुलेट क्या करते हैं, वॉल्यूम। 2D फिगर्स के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया। इनका क्या होता है, पेरीमीटर होता है, इनका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। जैसे कि हमारा ये रेक्टेंगल है, अगर सपोज हमें, तो एक तरह से 2D फिगर है, इसकी कुछ भी हाइट नहीं है, कुछ भी इसकी विड्थ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इसकी कोई हाइट नहीं है, ये खाली दो डायमेंशन के अंदर ही है, तो एक तरीके से ये क्या है, 2D है। अगर मैं इसको हाइट दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ पुल कर देता हूं, ऊपर की तरफ पुल कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट आ जाएगी फिर इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके अंदर पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सिंपल सी भाषा में सभी जो जितनी भी साइड होती है उन सभी का जोड़ होता है, सिंपल सी बात बस ये है। पेरीमीटर क्या है, जैसे कि सपोज ये 4 है और ये हमारे पास 2 है, तो 4 और 2 6, फिर ये दोबारा 4 आ गया क्योंकि सामने सामने के बराबर होते रेक्टेंगल में, तो कितना हो गया, 4 4 8, 2 2 12। ठीक है, तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम आपको फिर से समझ में आया, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो सपोज हमारे पास ये वृत्त है, ठीक है, अगर इसको मैं आगे की तरफ पुल करता हूं तो इसकी हाइट बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। ठीक है, तो 3D हम पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम 2D पढ़ते हैं। तो 2D में सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके अंदर तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का एक हम सिंपल सा रूल पढ़ते हैं कि ट्रायंगल के अंदर अगर सपोज तीन साइड है, ए बी सी तीन साइड हैं, तो ट्रायंगल का रूल क्या होता है, जो एक्स है, एक्स सपोज अगर कोई तीसरी साइड है, वो तीसरी साइड हमेशा ए प्लस बी यानी उन दोनों के जोड़ से छोटी होगी और ए माइनस बी से बड़ी होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 8 6 और तीसरी साइड सपोज हमें पता नहीं है, तो हमेशा जो तीसरी साइड होगी ना, वो इन दोनों के जोड़ से यानी कि 14 से तो हमारी कम होगी, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है जैसे कि 2, उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये रूल हमें ट्रायंगल का हमेशा याद रखना है। SSC कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेती है कि भाई इनसे क्या ट्रायंगल बन सकते हैं, क्या पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल हम कैसे चेक करेंगे, भाई कोई भी दो भुजा है उन दोनों का हम जोड़ करके देखेंगे क्या वो तीसरी सी बड़ी है और सब्ट्रैक्शन है, क्या वो उससे छोटा है, तो ऐसे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम समबाहु को पढ़ते हैं। तो समबाहु में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि तीनों भुजाएं हैं जो बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, समबाहु कहते हैं। जैसे कि सपोज ए ए ए, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है √3/4a² √3/4a² ठीक। और समबाहु त्रिभुज के अंदर ये हम, ये क्या है, माध्यिका है और लंबाई, ये दोनों सेम ही है, क्यों, क्योंकि इसके तीनों साइड बराबर है। अगर यहां से मैं 90 डालूंगा और माध्यिका यानी कि मीडियन, इन दोनों का मीडियन क्या होता है कि जो सामने वाली भुजा है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे, मध्य बिंदु मिड पॉइंट पे अगर वो उसको मिला दें तो वो क्या होती है, माध्यिका या मीडियन कहलाती है। ठीक है, तो इन दोनों में, तो इसके अंदर क्या है, माध्यिका और लंब दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी होती है, √3/2a, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम सिंपल एरिया पे बात करेंगे, √3/4a² इसका एरिया होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज और पढ़ते हैं हम, सबसे पहले देखो सपोज इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे आगे, कि अगर मैं इसके अंदर एक और ऐसे ट्रायंगल बना देता हूं, बिल्कुल मिड पॉइंट को मिला गया, ये है ए बी सी, इन दोनों के मिड पॉइंट पे, मैंने यहाँ पे ये हो गया डी ई एफ, इनके मिड पॉइंट को मिला के अगर मैं एक और ट्रायंगल बना देता हूं, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/4 ऑफ ए बी सी, जो, क्योंकि भाई ये ट्रायंगल सभी बराबर है, भाई ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो पूरा ट्रायंगल लगभग 4 सेम ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/4 ऑफ ए बी सी, इसका भी क्या होगा, 1/4 ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो इसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगल बना रहे हैं, फिर इसके अंदर ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इन्फिनिटी टाइम्स ट्रायंगल टू ट्रायंगल अंदर बनाते चले जा रहे हैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, तो उसका हम सभी जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे इन्फिनिटी तक, तो उन सभी का जोड़ हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम जीपी लगा देंगे। देखो सबसे पहले तो पहले वाले का ए हो गया, सबसे बड़े का ए हो गया,
फिर दूसरे वाले का 1/4 हो जाएगा, जितना भी है मैंने अभी बताया ना 1/4 हो जाता है, फिर प्लस में, फिर उसके अंदर जो बनेगा उसका 1/4। तो ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। ए यहां से हमने कॉमन ले लिया, ये हमने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन में 1 - r, वो हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां से आ गया हमारे पास ए इंटू में 4/3, यानी कि एरिया ऑफ जो सबसे बड़ा एरिया था हमारा ट्रायंगल का, उसका अगर 4/3 कर देंगे तो सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग आ जाएगा। मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग बराबर में 4/3 इंटू में क्षेत्रफल ऑफ एबीसी, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल था उसका क्षेत्रफल। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाता है, इसके अंदर फिर त्रिभुज बनाया जाता है, तो अनंत तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो इन सभी का योग क्या होगा? तो योग के लिए मैंने सिंपल फॉर्मूला बता दिया, 4/3 और जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया √3/4 a square कितना हो गया 12 का स्क्वायर हो गया, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, बस फॉर्मूला में ध्यान रखना है 4/3 इंटू में क्षेत्रफल ऑफ एबीसी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, अगर वो पूछे कि भाई दोबारा वही सेम चीज की ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, तो आप बताइए कि जो सम ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, ऑफ पेरीमीटर के जोड़ क्या होगा। पहले वो पूछ रहा था कि क्षेत्रफल का योग क्या होगा सभी त्रिभुज का, अब पूछ रहा है परिमाप का क्या होगा, परिमाप यानी पेरीमीटर। ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या होगा, हाफ इंटू में एबीसी का परिमाप, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा DEF का जो है परिमाप आ जाएगा, और सभी का अगर हम जोड़ करें तो सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ऑल ट्रायंगल सभी का अगर हम जोड़ करें तो क्या आ जाएगा 2 × p। ये हमने बताया DEF का, यानी अंदर वाले का, अगर अंदर बाहर वाले का परिमाप सपोज 16 है तो अंदर वाले कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन अगर सभी का जोड़ करना है जितने भी ट्रायंगल अंदर है तो वो क्या आ जाएगा 2 × p, सभी त्रिभुज का परिमाप का योग बराबर में 2 × p, यानी जो भी त्रिभुज का परिमाप है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सभी त्रिभुज के परिमाप का योग। ठीक, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, सभी त्रिभुज के परिमाप का योग कितना होगा, सिंपली है यहां पे कितना होगा 13 हो गया, और 5 = 18 गुना में 2 तो कितना हो गया 36, सिंपल 36 आंसर है हमारे पास। ठीक, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब हम करते हैं अगला, तो दो बराबर भुजाओं के बीच की जो माध्यिका और लंब बराबर बराबर होती है, अगर सपोज ये माध्यिका, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो उसके अंदर जो माध्यिका है और जो लंब है वो बराबर होती हैं। यदि भुजा बराबर नहीं है, ये दोनों भुजा बराबर नहीं है, तो माध्यिका और लंब बराबर नहीं होती है। ठीक है, देखो दोस्तों, लंब यानी कि परपेंडिकुलर क्या होता है, यहां पे सामने वाली जो ए से हम सीधा डाल दें 90 डिग्री, तो वो हमारा लंब होता है। और माध्यिका क्या होती है, यानी कि मीडियन, मीडियन क्या होता है, इस जो बीसी है इसका मिड पॉइंट पे अगर मैं इसको मीट करा दूं तो वो उसका क्या होता है, मीडियन हो जाती है। ठीक है, तो माध्यिका दो बराबर क्षेत्रफल भागों में बांट देती है। सपोज अगर ये ट्रायंगल है और इसका क्षेत्रफल पूरा 36 है और मैं माध्यिका पूरी खींचता हूं तो वो 18 में इसको डिवाइड कर देगा। माध्यिका जहां एक दूसरे को काटती है उसे केंद्रक कहते हैं, जैसे कि एक दूसरे को काटते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सेंट्रोइड किस रेशियो के अंदर डिवाइड होता है, 2:1 के अंदर। एजी हमारा 2 है और जीडी हमारा 1 है, तो रेशियो है ये। ठीक है, अगर सपोज पूरे की लेंथ 6 है तो 6 को हम डिवाइड कर लेंगे 2:1 के अंदर डिवाइड कर लेंगे हम उसको। ठीक है, तो लंबाई आ जाएगी हमारे पास। अगला क्या है, अगर हम जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर हमने एक सर्कल बना लिया तो इसे क्या बोलते हैं, इन सर्कल। ठीक है, यानी कि अंत सर्कल, अंत वृत्त, और बाहर वाले क्या बोलते हैं, बाह्य वृत्त, यानी कि सर्कम सर्कल त्रिभुज का। तो इसके लिए अगर हम इसकी रेडियस निकालनी है तो हमारे पास, अगर ये पूरी भुजा है हमारे पास, ये पूरी लेंथ है हमारे पास, तो उसको 2/3 यानी जितने भी हम 1:2 के रेशियो के अंदर डिवाइड कर लेंगे, तो ये तो बाहर वाले की हो जाएगी जो रेडियस है, ये जो इतनी है यहां से लेके यहां तक की, ये बाहर वाले की रेडियस हो जाएगी और ये अंदर वाले की रेडियस हो जाएगी। तो इसका एरिया हम सिंपली निकाल सकते हैं, तो इसका रेशियो तो 1:2 है, तो एरिया क्या होगा, 1:4 होगा, सिंपल। ठीक, समबाहु त्रिभुज में अंत केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक सभी एक बिंदु पर स्थित है। देखो सभी एक बिंदु पर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम समबाहु से रिलेटेड ही हमने 3-4 चीजें पढ़ी हैं, और भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एडवांस के मेंसुरेशन के अब हम दूसरे भाग में मिलते हैं, जिसके अंदर हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद विषमबाहु आएगा, और भी त्रिभुज से रिलेटेड हम सारे एसएससी में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम करेंगे। थैंक यू दोस्तों, तो ये एडवांस सीरीज का आज हमारा पहला पार्ट था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू।